पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। साथ ही सभी देवताओं में सबसे पहले प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों के सारे दुखों को बहुत जल्दी दूर करते हैं और भक्त को सुखी और समृद्धिशाली बनाते हैं। शायद यही वजह है कि इनके भक्तों की संख्या काफी अधिक है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का पूजन और दर्शन करते समय आपको कौन से नियम अपनाने चाहिए वो हम आपको बताते हैं। नंबर एक, भक्तों को हनुमान जी की 3 बार परिक्रमा करने का विधान प्रचलित है। नंबर दो, दोपहर में बजरंगबली को गुड़, घी, गेहूं के आटे से बनी रोटी का चूरमा चढ़ाना चाहिए। नंबर तीन, शाम के समय फल जैसे आम, केले, अमरूद, सेब आदि का भोग लगाना चाहिए। नंबर चार, सुंदरकांड का पाठ करते समय हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और अन्य पूजन सामग्री भी चढ़ाएं। नंबर पाँच, वहीं सुबह के समय हनुमान जी को प्रसाद में गुड़, नारियल, लड्डू चढ़ाए जाना चाहिए। नंबर छः, बजरंग बली के श्रृंगार में या चोला चढ़ाते समय तिल के तेल या चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर सात, श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। नंबर आठ, भगवान को भोग लगाने के बाद भक्त को प्रसाद अन्य भक्तों में वितरित करके स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। नंबर नौ, सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के निमित्त विशेष पूजा अर्चन करनी चाहिए। इन दिनों में बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 10, बजरंगबली को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित किए जाने चाहिए। इन फूलों में कमल, गेंदा, गुलाब आदि विशेष महत्व रखते हैं। नंबर 11, हनुमान जी की पूजा या मंदिर में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 12, हनुमान जी को केसर के साथ घिसा लाल चंदन का तिलक भी लगाना चाहिए। यदि आप ये नियम अपनाते हैं तो हनुमान बाबा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।